नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के जुंडला गेट में, एक प्राचीन पीपल वाला जो शिव मंदिर है उसके ठीक बाहर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए और इस वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग हेल्थ वर्कर्स की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई है ताकि वो लोगों को वैक्सीन लगा सके। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पूरा का पूरा मामला परसों का है, जहाँ पर हमारे साथ एक आशा वर्कर यहाँ पर खड़ी हुई हैं जिनका पर्स इन्होंने यहाँ पर रखा था, क्योंकि ये यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी तो ये वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए पहुँचे थे। ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन किस तरीके से इन्हें क्या मालूम था कि सुबह 10:30 बजे जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे लोगों की भलाई का काम करने के लिए, यानी कि लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, तो इन्हीं का पर्स यहाँ से चोरी हो जाएगा और पूरी जो चोरी की वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इनके पास वो फुटेज भी है, जो फुटेज हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले इन मैडम से बात कर लेते हैं कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ और किस तरीके से सबकी नज़रों के सामने से एक युवक यहाँ से पर्स उठाकर किस तरीके से यहाँ से भाग जाता है, चला जाता है, और बताया जा रहा है कि उसके साथ 3 अन्य और भी लोग मौजूद थे। क्या नाम है मैडम आपका, कहाँ से आप हैं और क्या हुआ था परसों? मैं जाटो गेट से हूँ आशा वर्कर, और मैं यहाँ पे ड्यूटी करने आई हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है, सिटी डिस्पेंसरी से काम कर रही हूँ जी। हाँ जी, तो क्या हुआ था परसों, क्या ड्यूटी लगी थी आपकी? हाँ जी, यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और यहाँ पे मेरा वैक्सीन का सामान रखा था, उसके साथ ही मैंने पर्स रख दिया के, रखने के बाद मैं अंदर से सिर्फ कुर्सी उठाने गई थी। कुर्सी उठा के जैसे आई हूँ मैंने देखा तो यहाँ मेरा पर्स नहीं है। कितने और लोग मौजूद थे उस समय यहाँ पर और कितने बजे की बात? सिर्फ ये 10:30 बजे की बात है जी। यहाँ सिर्फ 2-3 ही लेडीज आई हुई थी मंदिर में, तो और बाकी गली में जा रहे थे, और अंदर मंदिर में कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था जी मंदिर में। तो उसी समय फिर मैंने देखा मुखा मेरा पर्स ही नहीं है, फिर मेरी है ना माँ की, मैंने उसको बोला मैडम जी मुखा मेरे फोन पे आप फोन करो, मेरा फोन पर्स ही नहीं मिल रहा मैडम जी। मैडम जी ने फोन किया तो एक बार तो बैल गई है फोन पे, उसके बाद फिर मैडम ने दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फोन तभी से ही स्विच ऑफ आ रहा, अब तक फोन मिला आपका नहीं। फोन भी था यानी कि उस मेरा फोन भी था, उसमें पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट थे और मेरे आई कार्ड वगैरह थे जो हमें दिखाने पड़ते हैं कहीं भी, जैसे मान लो कोई पूछता भी आप कहाँ से आए भी, तो इसे मेरे कई सारे कागज भी थे। तो जिस तरीके से पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है, उस व्यक्ति को देखकर क्या लगता है जिसने ये पर्स उठाया, कौन है वो, कोई नशेड़ी किस्म का व्यक्ति? नहीं, कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो 2-4 बच्चे थे, कुछ नहीं कह सकते जी। चार बच्चे छोटी उम्र के बच्चे ही है जी, वो ज्यादा उम्र के। क्या क्या कितनी उम्र होगी आपके, आपको क्या अंदाजा है, आपने देखा था पर्स को? 18 साल तक के बच्चे? हाँ जी, मैंने तो नहीं देखा पर वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा, कैमरे दिखे। अगर आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आपको नहीं पता लगा कि पर्स कहाँ पर है, फिर आपने इधर उधर तो ढूंढने की कोशिश? इधर उधर मैंने ढूंढा, मैंने सामान में चेक किया था, मैंने इन इधर पौड़ियों में रखा था, यहाँ मेरा वैक्सीन का सामान रखा था, उधर मैंने पर्स रखा था, और सिर्फ वहीं से जहाँ मंदिर में कुर्सी रखी वहीं से मैं कुर्सी उठाने गई। इधर ही आप बैठे हुए? इधर ही मैं अंदर से कुर्सी उठाने गई थी, बाकी मैं और कहीं का मैं दिखाना चाहूंगी। स्टेयर्स है, मेन गेट है, और यहीं सीढ़ियों के पास इन्होंने जो वैक्सीन लगाने का जो बक्सा है वो सारा का सारा सामान यहाँ पर रखा था, और उधर वो बस कुर्सी उठाने गए थे कि इतने में इनका पर्स चोरी हो जाता है। कि किस रंग का पर्स था, कितना साइज था आपके पर्स? ब्राउन कलर का पर्स था सर मेरा। छोटा था बड़ा? बड़ा पर्स था जी मेरा। मोबाइल वगैरह सब? मोबाइल उसमें भी थे, कागज भी, डायरी भी, मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह भी थे जी उसमें, और 1000 से ऊपर ही पैसे थे क्योंकि मैंने किसी के देने भी थे, और मैं चल संक्रांति वैसे त्योहार भी, कुछ सामान भी लेके जाना था, अगर तो कुछ नहीं, सुबह ही आते ही मेरे दिक्कत हुई होगी उसके बाद जब सामान चोरी हो गया एकदम से, तो हो ही जाती है जी, दिक्कत तो होती है, फिर क्या कर सकते हैं अभी। और सिटी थाना भी नजदीक लगता है यहाँ से? हाँ, फिर मैं 10:30-11 बजे से FIR करो वहाँ लिखवा के आई थी, कंप्लेंट लिखवा के आई थी, वो कह रहे थे जी देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे, पर अब तक तो जी देखो, क्योंकि वो चोर आ चुका है जिसने सरेआम यहाँ से चोरी कर ली है, वो अब तक पकड़ा नहीं गया, नहीं पकड़ा गया। चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज। ये हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें किस तरीके से, देखिए पहले मंदिर के बाहर की आपको ये वीडियो दिखाई देगी। ये देखिए, एक छोटी ही उम्र का लड़का है जो अंदर किस तरीके से मंदिर में घुसा, और उसके बाद कुछ ही समय बाद ये लड़का, ये देखिए हाथ में वही ब्राउन कलर का पर्स है। इस लड़के को पहचानने में मदद करें और इस खबर को शेयर करेंगे तभी इस लड़के के बारे में जानकारी मिलेगी। और ऐसा कोई पहला मामला नहीं है लूट के भी,
लूट के भी इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं, जब महिलाओं की बालियां छीन कर ये लुटेरे फरार हो जाते हैं, महिलाओं के हाथों से पर्स छीन लिए जाते हैं। और ये देखिए, ये व्यक्ति तो ऐसे आया है, ये लड़का तो ऐसे अंदर एंटर किया है जैसे इसको पहले से ही मालूम है कि यहाँ पर पर्स रखा हुआ था। ये तो बड़े शातिर तरीके से, ये लड़का कौन है? इसी ने ही तो चेक किया, ये इसी ने, इसकी नज़र पड़ी है इस पर्स पे, भाई इधर पे सामान रखा हुआ है, इसने देखा तो ये आगे जाके फिर एक छोटे बच्चे को भेजा। ये चार जने हैं। अच्छा, ये पहले देखता हुआ जा रहा है, ये आगे देखता हुआ जा रहा है, ये आगे गया हुआ और फिर इसने आगे जाके फिर एक जने को भेजा है पीछे, एक जना फिर पर्स उठा के ले गया। जिस हिसाब से वो लड़का अंदर घुसा है, ऐसे तो लग रहा है कि उसको तो पहले से मालूम है कि मुझे बस जाना है, और इतने सेकंड बाद बाहर रखा था मैडम जी, इसी करके उन्होंने सामने दिखा वो उठा के उठाने में भागने में जैसे ही थोड़े से वो सफल हो गए हैं, नहीं तो अगर अंदर रखती तो मैं ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं आती थी मेरे को। और मैडम जी, मेरा फोन भी सरकारी और मेरी सिम भी सरकारी है, उसमें मैं सरकार की तरफ से ही स्वास्थ्य विभाग से ही कार्य कर रही हूँ। कितना समय हो गया आपको ऐसे काम करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अंदर? मेरे को 5 साल हो चुके हैं। 5 सालों में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं मैम, कभी भी ऐसा मेरे साथ कभी भी करनाल में लगातार लूट हो, चोरी हो, डकैती हो, वारदातें बढ़ती चली जा रही है? बढ़ती जा रही है मैडम जी, आगे से आगे बढ़ती जा रही, पर कानूनी कार्रवाई में बहुत देर होती है यहाँ पे, जल्दी से जल्दी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि बहुत बार पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, अज्ञात चोर को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ तो प्रूफ लेके गई थी मैडम जी उनके पास, तभी मैंने दिखाया जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ये सारे मैंने पुलिस ने, हाँ मैंने सारे प्रूफ दिए हैं उनको उनके फोन में भी वहीं पे भेजे हैं, सारी फोटो भी दिखाई मैंने, वीडियो भी दिखाई, मैं कहा देखो जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, अभी तक कोई कानून नहीं कार्रवाई। छोटी उम्र के लड़के हैं, और आजकल अगर मैं चोरों की बात करूं, लुटेरों की बात करूं, तो युवा वर्ग उसमें सबसे ज्यादा आगे दिखाई देता है। और इस लड़के की, जिसकी हमने लगातार आपको तस्वीर दिखाई, उसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप SHO हैं जो कि थाना सिटी के हैं, SHO 9729970111, इस नंबर पर आप उनको कोई भी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको इस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी हो, मैं एक बार चाहूंगी कि एक बार दोबारा से वो फोटो दिखाई जाए जिसमें वो शातिर चोर भी क्या देखे, सरेआम सबकी नजरों के बीच में से अगर उसको यहाँ से कोई पकड़ लेता तो उसकी धुनाई तो बहुत ज्यादा होनी थी, धुनाई हो जानी थी मैडम। यहाँ से तो यहाँ से उठाने में बस किसी ने देखा ही नहीं है, वो बस सीसीटीवी कैमरे काफी बुलंद है, देखता तो कुछ पकड़ता भी कुछ करता भी, पता ही नहीं हम कब मैं आए और कब मैं चले गए, पता ही नहीं चला उनको। बहुत ज्यादा बुलंद, बहुत ही ज्यादा है जी, और सुबह सुबह के टाइम कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे हो सकता है। वो लड़का फिर से हम दिखा रहे हैं जिसने किस तरीके से स्वेटशर्ट पहनी हुई है, और बाकी जो अन्य लड़के हैं वो भी लुक वाइज अगर मैं बात करूं तो शायद ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं कि आसपास के ही होंगे, क्योंकि नॉर्मली ये तो यहाँ से जा रहे हैं, लग रहा है कि आसपास के लड़के आसपास के ही होंगे जी, या तो ये चांसराय के होंगे, मंगल कॉलोनी के हो सकते हैं, अडिया बस्ती के हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, के आदि भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते जी इनके बारे में, बच्चों के बारे में। ऐसे बहुत सारे मामलों में बाद में पता लगता है कि नशे के आदि होने के कारण ही कुछ अपने नशे का इंतजाम करने के लिए ये छोटी मोटी चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन इसमें जो नुकसान है वो आम जनता का होता है, क्योंकि आम जनता के काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारा डाटा होता है जो उनका चला जाता है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं I24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।